अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग कर्नाटका स्टाइल। आज की रेसिपी है देसी घी। देख लीजिए, हमारा देसी घी बहुत ही अच्छे से बना हुआ है। ये मैंने कि डेयरी का दूध, यानी कि बाहर का दूध है, पॉकेट का दूध नहीं है। चलिए मैं इसके आज की रेसिपी और पक्की रेसिपी आपको देने की कोशिश करूँगी। देख लीजिए, मैं 20 डेज का घी मलाई को स्टोर किया है। आपको इतनी अच्छी इतनी फ्रेश मलाई रहना बोल के तो आप जब भी स्टोर करेंगे तो फ्रीज़र में स्टोर करें, फ्रिज में ना स्टोर करें, फ्रीज़र में स्टोर करें। उसके बाद मैं डेली यानी कि 2 डेज़ के एक बार मैं वो 2 लीटर मैं दूध एक ही बार मंगाती हूँ। उसके बाद मैं कुकर में इसी तरह लो गरम करती हूँ। आपको जो मलाई थिकनेस यानी मोटी मलाई चाहे तो इसी तरह आप शाम में इसको गरम करें, शाम में गरम करें। उसके बाद ठंडा होने के बाद कुकर को आप फ्रिज में रखिए। उसके बाद इसी टाइप की आपको मलाई निकलेगी ज़रूर से। देख लीजिए, आप ये ट्रिक यूज़ करें, यूज़ करना ही होगा क्योंकि बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है, आपको यूज़फुल होगी। चलिए मैं आपको और एक, मैं जो डेयरी का दूध लेने की बाहर का दूध आपको बता रही हूँ, मैं पॉकेट वाला नहीं यूज़ किया। इसके बाद मैं इसमें 2 कुकर लिया है, थोड़ा 1-2 लीटर को मैं 2 ग्लास बड़ा वाला ग्लास में पानी मिलाया है। दो ग्लास बड़ा वाला पानी मिलाने के बाद मैं लो फ्लेम में इसे अच्छे से पका लूँगी, सीटी आने तक हाफ कर डाल के। उसके बाद ठंडा होने के बाद मैं फ्रिज में रखती हूँ। चलिए मैं ये मलाई को मस्का निकालेंगे। मैं हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो एक डब्बे में डाल के भी, आप शेक करने से भी मस्का ईजीफुल यूज अच्छे ईजी से निकलता है। आप चाहे तो मिक्सी में भी मस्का निकाल सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक दे रही हूँ, आप धूप में मस्का निकल रहा है तो एक चाय के पत्ता ठंडा पानी इसमें डालें। आप ठंड में मस्का निकाल रहे हैं तो आप थोड़ा सा गर्म पानी इसमें चाय के कप होता इसमें डालें, जल्दी से आपका मस्का निकलेगा। इनकी मिक्सिंग जार में भी इसमें अच्छे से निकलेगा, हैंड ग्राइंडर में भी अच्छे से आएगा। आपकी मर्जी कौन सा है तभी आप यूज़ कर सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों, इसी तरह से हमारा मस्कन तो बिल्कुल परफेक्ट निकला है। मैं जब भी मस्का निकालती हूँ थोड़ा घर के लिए भी निकालती हूँ, इनके घी बनाने से अव्वल थोड़ा घर के लिए भी। आप मस्का यूज़ करते समय इनकी मस्का बनाने के बाद मैं थोड़ा मैं मस्का इसमें निकाल लेती हूँ क्योंकि टोस्ट वगैरह डोसे के लिए यूज़ होगा। चलिए इसे मैं 4 या 5 पानी से अच्छे से वॉश करूँगी। देख लीजिए दोस्तों, हमारा मस्का अच्छे से 4-5 पानी से मैं वॉश किया है। इसके बाद मैं मोटा वाला पैन इसमें, बड़ा वाला पैन मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। देख लीजिए दोस्तों, मोटा वाला पैन मैंने कि थोड़ा बड़ा ही वाला पैन मैं इसमें यूज़ किया है, मस्के को इसमें डाल दिया है। इसमें हमें अब इसको हाई फ्लेम में अच्छे से पका लेंगे। जब भी आप मलाई को स्टोर करेंगे तो फ्रिज में ज़रूर करें, क्योंकि आप फ्रिज में नहीं फ्रीज़र में स्टोर करें, क्योंकि अब फ्रिज में रखे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप फ्रीज़र में रखे तो थोड़ा फ्रेश होगी। उसके बाद जो अब भी आप कुक करने के बाद दूध को ठंडा करने के बाद, यानी कि ठंडा होने के बाद आप फ्रिज में दूध को स्टोर करें, यानी कि फ्रिज में स्टोर करें। उसके बाद दूसरे दिन आप यानी कि सुबह में आप मलाई निकाल सकते हैं, आपको अच्छी सी मोटी थिकनेस मलाई आपको मिलेगी। देख लीजिए दोस्तों, इसी तरह हमारे मलाई में उबाल आ गया है, बहुत ही अच्छे से हम इसे पका लेंगे। थोड़ा हमें चम्मच को हिलाते रहना है क्योंकि उबलने का चांसेस रहता है, थोड़ा हम इसे अच्छे से हिला लेंगे। थोड़ा पेशेंस रखना है, बहुत ही लेट होगा, थोड़ा पेशेंस से हमें पका लेंगे। चलिए, हमारी घी यानी कि देसी घी बिल्कुल रेडी हो गया है। देख लीजिए, इसी तरह आने के बाद हमें फ्लेम को हाफ करेंगे। ये ऐसा बबल्स आने के बाद हमें फ्लेम को हाफ करेंगे। आप चाहे तो पान यानी कि कुछ भी है डाल के आपको फ्लेम को हाफ करके बंद कर दे। जब भी आप घी बनाने के बाद ये थोड़ा बच चुकता है मावा, उसको आप वेस्ट मत कीजिए, आप स्वीट में यूज़ कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा
अच्छा टेस्टफुल मावा है, हम यूज़ करते हैं। चलिए हमारा घी देख लीजिए, हमें जब भी वो मलाई का हुआ मस्के का घी है हमारा मंथ यूज़ होगा। अब मैं 20 डेज़ का ये मलाई मैं मंथ पूरा यूज़ करती हूँ। लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।